बालासोर रेल हादसे की जांच पूरी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव बना हादसे की वजह। रेल मंत्री बोले हादसे की वजह और जिम्मेदार का पता चला, जल्द आएगी जांच रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। बालासोर हादसे के बाद रूट बहाली का काम तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके रेल मंत्री से लिया अपडेट। अभी बालासोर में है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे। भुवनेश्वर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, भुवनेश्वर एम्स में डॉक्टर्स और अधिकारियों के साथ की बैठक। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से ओडिशा पहुंचे दिल्ली एम्स के डॉक्टर। एम्स लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएलए हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा पहुंच चुकी है। दिल्ली में नाबालिग लड़की के मर्डर के आरोपी साहिल पर SC/ST एक्ट में भी केस दर्ज, कोर्ट ने साहिल को न्यायिक हिरासत में भेजा। 5 जून को संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी इमरान खान की पार्टी PTI। इमरान समर्थकों की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दों पर UN का ध्यान खींचने की होगी कोशिश। बाबा बागेश्वर ने लव जिहाद को बताया साजिश, लव जिहाद के पीछे फंडिंग का आरोप, लोगों से की सावधान रहने की अपील। लव जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है जिसमें फंड देकर के हमारी बहनों को प्रायोजित ढंग से शिकार बनाया जाता है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने की थी अमेरिका में छिपे अपने भाई अनमोल से फोन पर बातचीत। सूत्रों के मुताबिक 3 महीने पहले तक लॉरेंस जेल में कर रहा था मोबाइल का इस्तेमाल। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए फिर एक बार न्यूज 18 इंडिया पर ही जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।